सबसे पहले इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इस फोन में IP68 की रेटिंग भी नहीं है। 40,000 का फोन है तो एटलीस्ट IP68 की रेटिंग देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इस फोन में 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर है, उसकी जगह पर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, तो ये भी मुझे एक कमी लगी। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस फोन का जो बेस वेरियंट है 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, वहां पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, और जो 256GB वाला वेरियंट है वहां पर UFS 4.0 है। तो OnePlus को बेस वेरियंट 256GB से ही स्टार्ट करना था और उसकी प्राइस 40,000 रुपए रखनी थी। फाइनली OnePlus ने अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन OnePlus 12R को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस फोन में काफी अच्छे फीचर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस फोन में कमियां नहीं होगी। यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सभी स्मार्टफोन्स में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कहीं मत जाइए मुझे छोड़कर। वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, आपने OnePlus का कौन सा स्मार्टफोन यूज किया है या फिर अभी आप कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा OnePlus के स्मार्टफोन के साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। OnePlus 12R की जो डिजाइन है वो टिपिकल OnePlus जैसी ही है। दिखने में फोन काफी प्रीमियम है। रियर साइड पर सर्कुलर शेप में ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। सेंटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम है। ओवरऑल दोस्तों, इस फोन का जो लुक है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। लुक को लेकर आपको कोई भी इस फोन से शिकायत नहीं होगी। डिस्प्ले की ओर नजर करें, जो कि इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर होने वाला है, 6.7 इंच की 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है। कर्व डिस्प्ले का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम होने लगा है और फ्लैट डिस्प्ले को लोग पसंद करते हैं। वैसे आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है या फिर फ्लैट डिस्प्ले, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। बेजल की ओर नजर करोगे तो काफी कम है। यूनिफॉर्म बेजल इस फोन में ऑफर किए गए हैं। कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा। HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है और ये एक डॉल्बी विजन डिस्प्ले है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और ये कुछ कंडीशन में तो 4500 निट्स तक भी पहुंच जाती है, यानी कि आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस को लेकर इस फोन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी विजिबल डिस्प्ले रहती है। फ्रंट साइड पर फ्लैगशिप ग्रेड की प्रोटेक्शन ऑफर की गई है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, जो इस प्राइस रेंज में देना काफी अच्छी चीज है। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो यहां पर भी OnePlus ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जो कि 2023 का ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आप आराम से हाईएस्ट सेटिंग पर गेमिंग भी कर सकते हैं। मक्खन की तरह आपको स्मूथनेस महसूस होगी, बस आपको परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देना है जब आप गेमिंग खेलते हो। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 14 पर मिलेगा और ऑक्सीजन OS का यूजर इंटरफेस। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज, 3 साल के OS अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पेज के अपडेट भी देखने को मिल जाए, तो ये चीज काफी अच्छी है। 5500 mAh की बड़ी बैटरी इस फोन में ऑफर की गई है और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, सैमसंग और एप्पल बॉक्स में चार्जर नहीं देते, लेकिन यहाँ पर OnePlus आपको 100 वॉट का चार्जर भी बॉक्स में ही प्रोवाइड करेगा। 0 to 100% ये फोन 26 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ड्यूअल 5G, ड्यूअल 4G वॉल्टी, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.3, IR ब्लास्टर सेंसर, NFC, क्विक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। कनेक्टिविटी को लेकर OnePlus ने काफी अच्छा काम किया है। कनेक्टिविटी को लेकर भी आपको इस फोन से कोई भी निराशा नहीं होगी। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो यहां पर भी OnePlus ने 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर चिपका दिया है। इसकी जगह पर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। इसी के साथ फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। पिक्चर क्वालिटी एज वेल वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, बट पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। नो डाउट दोस्तों, फोन काफी अच्छा है। इस फोन में प्रोज ही प्रोज है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले, इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इस फोन में IP68 की रेटिंग भी नहीं है। 40,000 का फोन है तो एटलीस्ट IP68 की रेटिंग देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इस फोन में 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर है, उसकी जगह पर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, तो ये भी मुझे एक कमी लगी। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस फोन का जो बेस वेरियंट है 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, वहां पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, और जो 256GB वाला वेरियंट है वहां पर UFS 4.0 है।
तो वन प्लस को बेस वेरिएंट 256 GB से ही स्टार्ट करना था और उसकी प्राइस 40,000 रुपए रखनी थी। बाकी दोस्तों 40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर फोन काफी अच्छा है। अगर आपका बजट है 40,000 के आसपास तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। वन प्लस 12R को लेकर आपकी कीमती ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।